हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम कि यहाँ पर हमको एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। और एक्सेल यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन किया है मैंने। इधर देखिए, ये हमारे पास एक डेटा मौजूद है और यहाँ पर इस डेटा की खास बात ये है, यहाँ पर मैं प्राइस भी लगा देता हूँ यहाँ से जाकर के, और यहाँ करेंसी डेटा टाइप इसे बना देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये सब प्राइस दिख रहा है कि राम ने कितने की सेल की जनवरी में, मार्च में कितने का किया, मई में। एक्चुअली दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जनवरी है, अब यहाँ फरवरी आना चाहिए। तो आप इसको सही करने के लिए पहले कट पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कट करते हैं, इसको नीचे रखते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इसको नीचे रखते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर इधर उधर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसको एक बार में करने का कोई अगर बेहतर तरीका है तो वो किस तरीके से हो सकता है, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, देखिए कैसे इसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर जाएंगे, जितना है उतना पूरा सेलेक्ट कर जाइए। यहाँ से जाइए शॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ से कहाँ जाना है, कस्टम शॉर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, कस्टम शॉर्ट ये मिलेगा आपको होम टैब में। तो होम टैब में जाकर के शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए और यहाँ से कस्टम शॉर्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही कस्टम शॉर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्ट बाई, तो यहाँ से आपको शॉर्ट बाई पे नहीं जाना है बल्कि ऑप्शंस पे जाना है। तो ये ऑप्शंस पे आ गए और यहाँ पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है आपको और यहाँ से ओके कर देना है। ये ओके कर दिया, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट बाई यहाँ पे रो वन से हमें शॉर्ट करना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये रो वन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ओके करिएगा तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उसी के हिसाब से ये बन गया है, देख सकते हैं। अब कभी कभी डेटा में क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाया ये पूरा ही डेटा में कॉपी करता हूँ। तो ये पूरा ही डेटा मैंने कॉपी किया और इसको दूसरे शीट पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब आपको दिक्कत आएगी समझने में तो यहाँ से हम इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ही डेटा कॉपी और पेस्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पर आएंगे। अब ये तो हो गया हमारा काम, अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है आपको, सीधा सीधा कस्टम पे जाना है और यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे जाना है। कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद क्या करना है, कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आकर के लेफ्ट टू राइट करना है, ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ से आप आइएगा और ये जो है ना कस्टम लिस्ट करिएगा। और उससे भी पहले क्या करिएगा, यहाँ पर रो वाइज हमें शॉर्ट करना है तो यहाँ रो वन कर लीजिएगा, ये हमारी पहली रो होगी। और यहाँ पर आने के बाद कस्टम लिस्ट कर लीजिएगा और ये कस्टम लिस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर आना चाहिए ऐसा ही हो, तो ये करके ओके कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि आपकी ये पूरी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये देखना है कि जनवरी में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 5,229 रुपए, ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए फरवरी वाला नहीं शॉर्ट था तो ये फरवरी वाला 6,058 रुपए। तो यहाँ पे चेक करते हैं फरवरी वाला रिकॉर्ड, फरवरी वाला कहाँ पे है भैया, ये देखिए। तो फरवरी वाला 6,058 रुपए से शुरू है, मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से, ये देखिए 6,058। दूसरा रिकॉर्ड कितना है, 7,097 है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रिकॉर्ड जो है आपको 7,097 ही दिखा रहा है, यानी बिल्कुल सही है। सितंबर वाला चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आएंगे सेकंड शीट पे, तो ये फर्स्ट शीट है हमारी और ये सेकंड शीट है। तो सेकंड शीट पे आइए, सितंबर वाला चेक करते हैं। तो ये सितंबर है 6,394 रुपए, यहीं से शुरू है ना, देखिए इसे एक रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ सितंबर, यहाँ पे देखिए सितंबर 6,394 रुपए, बिल्कुल सही है। यानी इस तरीके से आप जो है शॉर्टिंग करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।